जा रही थी अपने नाम को पका के दो हाथों से। वैसे हीरो किस्मत वालों को मिलता है, छिला बन जाए। आयशा का ऑफिशियल काम है बर्तन धोना। ओ आयशा की किस्मत ही खराब है। सुराख वाला प्रॉब्लम नहीं है ये, दिल में जो मेरे दिल है ना वो है। आयशा ने बिना गलत कर दिया देगा। सही का टाइम खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ बिलाल और आप देख रहे हैं लाइव विद बिलाल यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक। तो बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए दो तीन दिन से कि आप बिलाल भाई अपनी सहरी की रूटीन शेयर करें, अफतारी की रूटीन शेयर करें जैसे आपने पहले की थी। तो मैंने सोचा कि कर ही देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं कोशिश फर्स्ट रमज़ान से ही कर रहा था बनाने की, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा काम था, किचन में डालना की रेसिपीज थी। तो आज मैंने टाइम निकाल ही लिया। तो अब जाते हैं बाहर जाके देखते हैं कि सहरी में क्या पक रहा है, क्योंकि मुझे बचपन से ही ना जो पराठों की आवाज़ होती है ना शर शर पकने की, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सहरी के टाइम। तो बचपन में मैं जब सोया हुआ उठता था तो मुझे आवाज़ें आ रही होती थी शर शर करके इस तरह ये पराठों की, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। तो आज भी इसी तरह ही है कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं दूर से, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अब मैं बाहर चलता हूँ और आपको भी साथ लेके जाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी सहरी की रूटीन, जो रेगुलर रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए चलते हैं आज। तो यहाँ पर देखिए कि तैयारी है। वालेकुम सलाम। तो आप सबको हमारी तरफ से रमजान मुबारक। ये देखिए हमारी सिस्टर भी आई हुई हैं, ये सारे आए हुए हैं यहाँ पर बाजू में पराठे, पराठे देसी घी के पराठे। वाओ देसी घी। यहाँ मैं अपने क्या आवाज है, क्योंकि मेरी डाउट शुगर चाय होती है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मैं बना रही हूँ ऑमलेट। आशा मेहमानों से काम नहीं कराते? तो सब बातें छोड़े, यहाँ पर हो रहा है आमना का काम जो आमना करती थी पिछले साल। तो आशा बताएं, बहुत मिस करती हूँ आमना। आपको आपके लिए सरप्राइज है, देखते हैं कि क्या ये परांठे आमना की तरह बन पाते हैं कि नहीं। दो दिन से हम परांठे खा तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज रखेंगे क्या ये आमना की तरह बन पाते भी हैं कि नहीं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे। आमना मम्मी भाभी को सिखा के गई नहीं है परांठे बनाना। लास्ट स्टूडेंट है वो, लास्ट रमजान आपको याद होगा वीडियो में आपने देखा होगा लाइफ की आमना की मम्मी भाभी ने फर्स्ट टाइम परांठा बनाया था। वो अनमोल के पास है। मैं तो आज देखो पहले उठ गया हूँ। तो ये बन रहा है आमना स्टाइल पराठा, तो अच्छे ही बने इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, हम तो खा रहे हैं काफी दिनों से। तो आशा ने मुझसे अपना ऑमलेट छीन लिया, कहती मैं खुद बनाऊंगी, अब मैं फारिग हूँ बिलाल, मैं क्या करूँ। जाके अल्लाह का नाम लो, नमाज मुझ पढ़ो, नफल पढ़ो जाके। तो सारे पेड़े रेडी हैं पराठों के, और यहाँ पर आयशा के दो स्लाइस रेडी हैं। आयशा ने तो कहा मैंने पराठा खाना है, वो मुझे स्मेल आएगी वो फिर घी की, आपका जो बेल है ना उसको देसी घी लग चुका है और स्लैब को भी लग चुका है। ये पता नहीं देसी घी से क्या है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आयशा को देसी घी से क्या प्रॉब्लम है। जब मैं छोटा था आयशा मुझे कहती थी कि बिलाल देसी घी ना खाया करो, वो ना चर्बी से बनता है, जा रहा उसकी गाय की चर्बी से बनता,
इसको मतलब कि इसको पता नहीं होता था बचपन में छोटी थी, लेकिन अब भी मुझे लगता है इसके दिमाग में यही है। तो ऑमलेट बन गया। आप तो तुम्हें पता है ना कि दूध से बनता देती है। दूध दूध अभी चाय में दूध नहीं डाला, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, हमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। तो मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना तो मुझे समझ आएगी ये तो ऐसे बनता है, तो फिर तो मैं मजे से शौक से खाता हूँ देसी घी। इससे हेल्थी कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में। आज तक की सहरी रेडी है अंग्रेजी सहरी। तो कौन बेवकूफ सहरी में ये खाता है? आयशा और ना ही गर्मी लगती है ज्यादा, ना प्यास लगती है, आराम से सब कुछ हो जाता है। जैसे कि इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा फिर आयशा पराठा खाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ आयशा को ना देसी घी वाला पराठा खिला देते हैं आज। खिला देते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। दोनों मजे लूंगा, हाफ फ्राई के भी ऑमलेट के भी। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट पराठा पकने के लिए रेडी है। आप लोगों के सामने, वैसे दो दिन से हम खा रहे हैं तो ये आवाज है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये बचपन से जब मुझे आवाज मेरे कानों में जाती थी तो मैं उठ जाता था सहरी के लिए। इंशाल्लाह बात है, फिर तो बनेगा ही बनेगा। जी जी सब बात बताएंगे आप लोगों के लिए, सरप्राइज होगा इस वीडियो के लास्ट में। तो आयशा करेगी हेल्प, मतलब ये अब तीसरी बार आयशा की है। आमना ने सिखाया मोमना भाभी को, मोमना भाभी पिछले साल इस तरह आयशा की जगह थी, अब आयशा मोमना भाभी की जगह है। चलो किसी इसी बहाने सीख लो, मैं कहता हूँ सीखो। मैं देखा मैंने अच्छा आयशा को सबसे जो चीज मुश्किल है ना वो रोटी पकाना लगती है, वो उसको बिल्कुल शौक नहीं रोटी पकाने। इसलिए आयशा रोटी खाती ही नहीं। ये ठीक है, उतारू पक गया ना? जबरदस्त पराठा पका है। पराठा रोटी वगैरह कुछ लोग होते हैं सोचते हैं गोल गोल सा, गोल होना जरूरी नहीं होता, सॉफ्ट होना जरूरी होता है। ये देखें मुझे याद है गोल ही है इनका। वीडियो में हमने सारी शूट किया था। नहीं नहीं मैं वो इसी तरह होता है। हाँ मैं आप इस वीडियो के क्लिप में देखें कुछ नहीं होता, देखें। कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं क्योंकि किसी को कम तक समझना अच्छी बात नहीं है। देखें आज वो परांठे पका रही हूँ बहुत जबरदस्त आमना की तरह सेम टू सेम, क्या पता अगले साल आयशा भी उसी स्टेज पर खड़ी हो। नहीं ना ये भी करना गलत है, अपने आप को कभी भी डिग्रेड ना करे इंसान, ये ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता। तो आयशा को भी लगन होनी चाहिए ना, आयशा ने कहा कि मैं बिलाल के लिए सीख सकती हूँ, कहा है ना, तो अब इसको सीखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ करो बात, वैसे कहते हैं बिलाल के लिए मैं सीख सकती हूँ, टाइम ही नहीं है, फिर क्या हाथ प्यार आएंगे बहन भाई का। अब लास्ट पराठा। ठीक है, जिसने जो खाना आयशा कभी कहती मैंने खाना है, कभी कहती मैंने नहीं खाना। मैं आयशा डबल माइंडेड है, डरती हूँ वेट ना पहचे मेरा। मैं सहरी में ये खाती हूँ और इफ्तारी में अगर दिल करे तो समोसा खा सकूं, पकौड़ा भी।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इसका दिल करे ना ये सब कुछ खा जाती है। कल समोसे पके हुए थे जो आमना ने बनाए थे पोक्स, तो ये तकरीबन 4-5 खा गई। मैंने ट्राई करना था कि कैसे बने हैं। ट्राई बंदा करता है, एक पकड़ता है, दो पकड़ता है, 5-5 बंदा खाता है। 5 को खाए मैंने, 5 खाए थे। लेकिन आज मुझे लग रहा है इसका दिल कर रहा रोटी खाने का। दो दिन से उसने कुछ नहीं, मैंने पूछते थे कुछ खा लो, कहते नहीं मैंने यही खाने, लेकिन आज मुझे कह रही है। अपने हाथों से पका के दो देसी घी का। देसी घी अपनी नान को पका के दो हाथों से। मम्मा भाभी अपने हाथों से पका के देगी और मैं अपने हाथों से आशीर्वाद खिलाऊंगी। और मैं इसके हाथ बांध के रखूंगा। उससे पहले मैं इस पैन को वॉश करूंगी और इस चिमटा को भी और इस बेलने को भी और साथ इस जगह को भी। फिर पहले इसका ही बना देना था, वॉश ना करना पड़ता। मैं इसलिए कर रही थी कि मेरी वजह से लेट ना हो जाए। वैसे ही किस्मत वालों को मिलता है, छिला पड़ जाए, छिला पड़ जाए। पागल तुम, पागल पड़ रहे हैं। मैं रखूंगा, लाश भी रखूंगा यार। मरियम जिसने अपना बदला पूरा किया उसका इस चीज का और यहाँ पर स्प्रे भी होगा, और यहाँ पर स्प्रे भी होगा जहाँ पराठा पका देसी घी का। इतनी नफरत को कोई किसी से भी नहीं करता। मैं किसी भी नहीं करती इस बारे से। बिलाल इस बात का गवाह है कि बिलाल मैंने कभी किसी नफरत दी है किसी चीज से या किसी इंसान से? किसी से नहीं ली ना। मैं आमना और बिलाल को मटन और बीफ भी पसंद। हाँ। इसी तरह मुझे। लेकिन हम ये तो नहीं, वो चीजें भी साफ करने लाए जाए। पर तुम लोग तो खाते भी नहीं हो। वो भी खाते, कीमा तो खाते हैं हम। नहीं खाते कीमा, खाते नहीं हम, सब कुछ खाते हैं। बाहर से कबाब नहीं खाते, बीफ कबाब नहीं खाते, आमना भी खाती है कभी कभी। अच्छा, आपका आयशा के पास पता नहीं कौन कौन से सफाई करने वाली चीजें हैं यहाँ पर, चार किस्म की। सफाई बहुत पसंद है। ये देखिए आशा की साड़ी रेडी है और ठंडी हो रही है, आशा खा नहीं रही। पहली साड़ी तो खा लो, इतना तमन्ना समय है, पहला तो खा लो, बाद में परांठा खाना। वो तो यहाँ अपने हैंड वॉश करके आ चुकी है, उस सोप के साथ सब कुछ वॉश हो गया। मैं इसे पराठा खाना चाह रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ मोमना भाभी को कि कैसा बना है, आमना से ज्यादा अच्छा बना है या आमना कितना ही बना है या नहीं अच्छा बना, क्योंकि मैं झूठी तारीफ कर नहीं सकती। बात सुनो, शागिर्द जो होता है ना, शागिर्द अपने उस्ताद की तरह चीज बनाता है। अगर मुझे मजा आ गया तो मैं तो तारीफों के फूल। आयशा ने काफी टाइम बाद मेरे से रोटी मांगी है और मैंने पराठा नहीं खाना, मुझे चलाते है ना। तो भाभी ने पकाया नंद के लिए पराठा। आप लोग सोचेंगे कि आयशा कुछ नहीं करती, भाभी करती है सब कुछ, लेकिन ये काम आयशा का है, बर्तन धोने का। बहुत काम करती हैं, सब काम करते हैं, कोई काम नहीं है। बस बिलाल जो है ना वो निकम्मा, कुछ नहीं करता। बिलाल निकम्मा कुछ नहीं करता, बाकी सब कुछ सब करते हैं। आयशा का ऑफिशियल काम है बर्तन धोना, क्लीनिंग करना, रेसिपी के बर्तन धोना, हर चीज का बर्तन धोना आयशा का ऑफिशियल काम है। मैं बहुत कुछ करती हूँ, इसमें नजर नहीं आता, मैंने भाभी की हेल्प की है। लेकिन भाभी आपकी हेल्प करेगी बर्तनों में? लेकिन जरूरत नहीं, हेल्प तो होती है, क्योंकि बर्तन तो एक बंदा ही धोता है ना, बर्तन तो एक बंदा धोता है। ये छोटे लोग काम करते हैं बर्तन वगैरह के, कुकिंग करते हैं बड़े लोग। आयशा की किस्मत ही खराब है, तो गोभी आ गई है। थैंक यू। सुराख वाला पराठा नहीं है, दिल में जो मेरा है ना वो है।
जो आप लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे थे, ये मेरे दिल कितना उल्टा है, थोड़ा सा बस जो आशा के दिल में है ना, ऐसा बन गया। मैं अब तक ऐसा क्यों है, क्योंकि गर्मी हो गई है इस वजह से आटा ना नरम हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि बिलाल सैंडी बनाए सबके लिए, तो इस वीडियो में कमेंट्स करें। एक ऐसी रूटीन होनी चाहिए कि बिलाल ने बनाई सब घर वालों के लिए सैंडी। पिछले साल भी बनाई थी मैंने, नमक इसका बिना गलत कर दिया अंडे का। ये बिलाल ऐसे खाता हूँ हाँ मैं ऐसे ही खाता हूँ। ये रहे मेरे एग्स, मेरे एग्स। सैरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, आधा घंटा बाकी है। तो अभी तक इन्होंने काम पूरा नहीं किया। लास्ट में मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए एग्स। मैंने बना दिया हाफ फ्राई पापी का। वाओ वाकई फर्क है, मैं भी मजाक कर रहा था। ये देखिए हां वाकई ये बहुत मुश्किल होता है पूरा अंडा। हां कैसा बहुत मजा आ रहा है, कैसा लगा ये? बहुत जबरदस्त, सही बनाया है। तो आपने सीखा कहां से? तो ये आपने कब कहां से सीखा इतना अच्छा परफेक्ट हाफ फ्राई बनाना? बताया था भाषा में, नहीं स्टोरी में भी बताया था आप सबको कि मैं रिजवान के लिए डेली बनाती हूं। तो हां तो मरियम से इसे डेली बनाती हूं, तो फिर मुझे अब परफेक्ट आना चाहिए ना। चलो सब लोगों में शिकायत होती है, वैसे ये मरियम सिस ने रिजवान जी से सीखा है। तो आप बिस्मिल्लाह करके सहरी को स्टार्ट करते हैं, सहरी खाना। तो पराठा जबरदस्त माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल सॉफ्ट, हर जगह से सॉफ्ट है। अरे खाते मैं रोज खाता हूँ। मैंने आपको सरप्राइज देना था, बताना था लास्ट में। अरे पूछना ना, तो पूरे खा रही है जल्दी स्पीड से खा। तो अब आप सब मुझे ये बताएंगे जो मैजिक स्टाइल की चाय मैंने बनाई उनसे सीखी है, तो कैसी बनी है? बहुत जबरदस्त चाय बनी है, बहुत जबरदस्त, पराठे भी जबरदस्त, चाय भी जबरदस्त, और ऑमलेट वगैरह हाफ टाइम भी जबरदस्त, और लस्सी का भी मैं बता नहीं सकता, पी के बताऊंगा। तो मैं जो से मैंने चाय बनाना सीख लिया, पराठा रह गया वो मम्मी पापा मुझे सिखा देंगे। सबसे मजा ऐड भी आता है पानी पीने का। हाँ हाँ हाँ, जब 10 मिनट रह जाएंगे ना 5 मिनट, पानी पर जोर, लास्ट में पानी पर जोर होता है सबका। आटे को ठहर के रखा भी टाइम दिया, ये नहीं कि गूंद के साथ पका लो। बिलाल आपको टिप्स दे सकते हैं, बिलाल बहुत शेफ है। मैंने आपको पिछले रमजान में सहरी में पराठे बना के दिखाए, कितने इतने बड़े अच्छे, सेम इसी तरह से बहुत भी जल्द बिलाल सबके लिए सहरी बनाएगा। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, तो मैं बनाऊंगा सब घर वालों के लिए अकेला सहरी, साथ अली हेल्प करवाएंगे। अली भाई हेल्प करेंगे। लड़कों ने बनाई सहरी। सहरी का टाइम मतलब होने में 10 मिनट बाकी है, तो जाते हैं ब्रश करते हैं, फिर पानी पिएंगे भर के पेट। तो लोग ब्रश वगैरह हमने कर लिया है, तो अब पानी पर जोर है, 5 मिनट रहेंगे रोजा बंद होने में। तो सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, तो अजान भी हो चुकी है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नमाज। तो इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और लाइव बिलाल चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा पर आप कोई मुझसे मैसेज करें, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टा का आईडी, जाएं फॉलो करें, और मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।